व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और दोस्तों अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी यही एक दुआ होती है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और आप जहां भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का जो हमारा व्लॉग है काफ़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेहमान आए हैं हमारे पास माशाल्लाह से बहावलपुर से, मेरी भतीजी है ये और मेरा भाई भी आया है। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सफ़र कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बिल्कुल ठीक रहा है और खैरियत से हम लोग पहुँच आए। कल शाम को ही पहुँच आए थे और अब सुबह नाश्ता वगैरह किया है। अब चाचू जी हमारे लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आए हैं तो वो भी आपसे शेयर करते हैं और इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह इनके लिए जो है खाना भी बनाएंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, टाइम तकरीबन होने वाला है 10 का। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि आपकी जो भाभी साहब है वो क्या तैयार कर रही है। तो विवर्स मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, ये देखें कि हम जो है ना उनके लिए फ्रूट जो है ना काट रहे हैं। आपकी भाभी साहब जो है फ्रूट बना रही है। अस्सलामुअलैकुम विवर्स, मेहमानों के लिए कुछ फ्रूट ले आए। पहले उन्हें हम फ्रूट खिलाएंगे, बाद में उन्हें भी खाना भी खिलाएंगे। हमारे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारी वीडियो पूरा देखा करें। विवर्स हमारे जो मेहमान हैं अभी आधे आए हैं, तो एक ख़ास मेहमान है जो अपना विलेज रूटीन वर्क वाले हैं वो भी अभी आने वाले हैं। तो वो आ जाएँ तो फिर इंशाल्लाह फ्रूट लगाते हैं और आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करेंगे। अभी जो है ना अबू जान भी आ गया और भाई भी साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, हम बिल्कुल ठीक हैं, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम सिकंदर भाई के पास हैं, मेरा छोटा भाई है। हाँ। आज हम इसके मेहमान हैं। तो अभी इन्होंने आज थोड़ा सा अरेंज किया है, इन्होंने कहा है कि सुबह का टाइम है तो नाश्ता तो हमने सुबह कर लिया था। इन्होंने कहा नहीं जी अभी जो है ना हमने और एंटरटेन करना है आपको, तो ये हमारे लिए ले आए तो फ्रूट वगैरह ज़्यादा प्यार करते हैं और जब हम आते हैं तो ये भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरे वालिद साहब हैं माशाल्लाह, बहुत हम पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत खुश हैं। आप जो ना कह रहे थे कि आपको अबू से जो है ना बात करना है, तो आज हम अबू से आपकी बात करवाते हैं सराइकी में। हाँ हम जाने से बहुत रोकते हैं कि आप जो ना काम ये ना करें सब, तो ये खुद ही करते रहते हैं ऐसे। अब इसने साथ में इनका शौक है, कहते हैं अगर मैं बैठ गया तो फिर बैठ ही जाऊंगा, तो कहते काम करते हैं करने से ना मेरी सेहत सही रह जाने ना। एक एकड़ अपने लिए एक रखा हुआ है अलहदा से, जिसमें ये इस साल सब्जियां काश्त कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको आगे इंशाल्लाह जरूर दिखाएंगे। बेड में करे तो जला रहे हैं, मैं तो साइकिल मोटर खड़ा हुआ, मैं पैदल भी ना भी। हाँ अबू जी कह रहे हैं कि साइकिल मोटर से कभी नहीं चढ़े। हाँ हाँ बिल्कुल अबू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अबू जी कह रहे हैं कि यहाँ से सफर होता है हमारा 1.5 किलोमीटर जल्ला रही का। अबू जान कह रहे हैं कि मैं जो है पैदल चला जाता हूँ लेकिन मोटरसाइकिल पे नहीं जाते। ये बात अबू जान की बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पैदल इनको शौक है बहुत ही चलने का, तो इनकी सियात ये हमसे भी ज्यादा काम कर लेते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको और उम्र दराज करे और हम में मौजूद रहे, क्योंकि बुजुर्ग के साथ एक बुजुर्गों का एक बड़ा मान होता है। हाँ। तो अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। हमारी अम्मी जान की भी इतनी उम्र नहीं है। हाँ, लेकिन वो उसका घुटनों का थोड़ा मसला हो गया था, तो जिसकी वजह से जो है ना वो बहुत ही इलाज किया है, तो बस नमाज पढ़ लेते हैं और कोई काम वगैरह अम्मी जान से नहीं होता। हमारे साथ आ चुका है तो ये हमारे जो है ना तो अभी जाना फ्रूट लगा देते हैं। बिस्मिल्लाह सबसे पहले भाई जान को अबू जान को और उसके बाद ये मेहमानों को। इतना सारा तकल्लुक कर लिया है इन्होंने, हम तो मना कर रहे थे कि चाची जी आप हमेशा ऐसे ही इतना तकल्लुक कर लेते हैं। तकल्लुक किस में? अभी सुबह नाश्ता किया है भरपूर। और सेब भी इधर आप खा लेते हैं, बस ठीक है खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं। तो बैठ भी जरा
तो विवाह सबसे पहले हमने अम्मी जान को दे है, क्योंकि वो उदय के पास बैठी हुई है, उसे झूला दे रही है और उसे रो रही थी, इसी वजह से हमने खा के उसे वही दे आते हैं। तो बुढ़िया क्योंकि सोई हुई है, वैसे नींद में है, दादी माँ उसके साथ, क्योंकि छोटी सी बच्ची है तो दादी माँ भी उसके एक बच्चे के साथ ज़रूरी होता है कि एक एक आदमी उसके साथ मौजूद हो कोई ना कोई। तो दादी माँ वैसे भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं बुढ़िया के साथ बैठ जाती हूँ, इसलिए वो हमारे साथ यहाँ पर नहीं बैठी हुई। बाकी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली यहाँ पर है और हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय करो। कुछ ऐसे मैं दादी माँ बांध जाओगे साथ ये बात कैसे चलता है, आज वो बूढ़े हो गए तो हमने भी हो जाना है, वक्त से ऐसा नहीं रहता। वैसे भी जब ये लोग हमारे घर आते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हाँ बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत दूर से आते हैं। ये आने वाले नहीं थे, मैंने जबरदस्ती बुलवाया। चाचू ने कल कहा इंशाल्लाह ये हमारे घर भी जरूर आएंगे, इंशाल्लाह आपके घर भी आएंगे, आपके घर क्यों नहीं आएंगे, इंशाल्लाह हम लोग आपके घर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फ्रूट्स खा लिए हैं, तो अब सिकंदर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं चाचू? यहाँ हमने जो है ना फ्रूट वगैरह खा लिए हैं माशाल्लाह से, तो अभी जो है ना इनके लिए हमने खाना भी बनाना है, तो खाने में हम इनके लिए आज बनाएंगे इंशाल्लाह बिरयानी। तो जैसे भी बस आप देख रहे हैं कि चावल हमने भिगो के रख दिए हैं, तो चावल हम थोड़ी सी देर के बाद बनाएंगे। तो जी हाँ प्यारे व्यूअर्स, वीडियो का ये भी हम यहीं पे एंड करते हैं, मुजम्मिल भी हम मेरे पास आ गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो आप सब बहन भाइयों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी जो है ना सब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।